F-35 दुनिया का बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। टेक ऑफ करा, मारी मिसाइल, 80 टन बम गिराए, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई। नसरल्ला, थैंक यू। ठीक है जी। दिल्ली में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आजम है उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। मोदी ने लिखा कि इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू के साथ पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि क्षेत्रीय संघर्ष ज्यादा न। रैलियां, जलसे जुलूस हो रहे हैं जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नेतन्याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर। टेलीफोन में उन्होंने कहा है बहुत अच्छा किया। पीएम मोदी ने भी दोहराया है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इसराइल एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों को रास्ते से हटाता जा रहा है। पूरा भारत जो है वो इस बात से प्रसन्न है कि इसराइल ने अकेले दम पर इन सारे दुष्टों को बुरी तरह से हरा दिया। नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्ला के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्ला के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है और इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हैवी बम्बार्टमेंट, इसी तरीके से क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस, इसी तरीके से उनकी लीडरशिप को निशाना बनाना, चुन चुन के ये जो पेजर का हमला था उसके बाद वॉकी टॉकी का हमला हुआ, सोलर सिस्टम पर हमला किया, ये तमाम इस चीज का अंदिया देते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे वक्त में इसराइल जो है दरिंदा हुआ हुआ है, पागल हुआ वह है, वो रियासती दहशतगर्दी को अमल करते हुए किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकता है, किसी पर्सनैलिटी को निशाना बना सकता है, किसी को जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या और उसको तमाम जो इस टाइम पे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग है और कानूनी बैकिंग है वो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की शक्ल में अमरीका और दीगर ममालिक उसके जो आभारी हैं उसको प्रोवाइड कर। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आजम है उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को और उन्होंने ये कहा है कि खास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर आपको याद हो तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने यह डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया हसन नसरुल्ला जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इसराइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है जो एक सपोर्ट है अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्ला को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्ला को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फलस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहां पे हसन नसरुल्ला जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मींस कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हकूमत जो है वो एक टेसेट सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं
इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी, अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें, कि आपने हिजबुल्ला की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्ला के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्ला के चीफ को मारा आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्ला का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी जरूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी जरूरत है। इंडिया इन चीजों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ आना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, खींच के रखो। ठीक है जी, ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है, अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी, और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है, हमें बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल चीज है। मैं भी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो है फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, तीन दुनिया में सुपर पावर्स होंगे। एक अमरीका तो है ही है, चाइना एंड प्रोबेबली इंडिया, प्रोबेबली लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। इट मीन्स आप देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टाइमर जाकर यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट दें। सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज गिविंग अ मैसेज, इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज का भी पता है। ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन लेते हैं इस्लामिस्ट के अंदर, बड़ी प्रो लाइन लेते हैं उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी है कि जो पेजर्स बेचे गए थे हिजबुल्ला को वो एक इंडियन सिटीजन ने भेजे थे, उसका नाम जोज है, उसके खिलाफ तहकीकात। तो इसका मतलब वो इसराइली एजेंट था। और आपको याद होगा पिछले महीने कतर ने 8 इंडियंस को सजाए मौत दी कि वो इसराइल के एजेंट है। तो ये इंडो इसराइल एक्सेस जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। और बाकी जो ममालिक का जिक्र किया है, चूंकि उनके साथ उनकी पॉलिसी सॉफ्ट है, उनके साथ बैक चैनल भी चलता रहता है इसराइल का, तो उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि हमारे पास मुसलमान हुकूमतों की, अरब हुकूमतों की हमायत भी है। गो के इस वक्त उनकी भी मुश्किलात है, कोई अरब ममालिक ओपनली इसराइल के साथ नहीं दे सकता, लेकिन उसने कोशिश की है ये बताने की कि हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, गो के वो भी खामोश या खुफिया डिप्लोमेसी के जरिए हो रहे हैं। और मुशाह साहब, ये जो सारा सिनेरियो है, ये पाकिस्तान को एग्जैक्टली किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है? पहली बात तो है कि जो इस वक्त मशरकी वुस्ता की कश्मकश है, ये जो स्ट्रगल है, उसमें तीन मेजर प्लेयर्स हैं, इसराइल, ईरान और अमेरिका। पाकिस्तान डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है, सही है, मिडल ईस्ट की इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है, सही है, तो हम उसमें नहीं आते फायरिंग लाइन में कहीं भी, ठीक। लेकिन इनडायरेक्टली ये है कि एक इंडियन इसराइल एक्सेस बन चुका है। इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड है वो इसराइल है, इसराइल का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका के बाद इंडिया है, और इंडिया जो है आपका दुश्मन है,
और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान दिया जयशंकर ने कल की स्पीच में देख रहा था वो भी बड़ी सख्त लहजे की थी, तो उसके इनडायरेक्ट नतायज ये होंगे। और एक और जो मैसेज गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसराइल ने जो भी की है ये फौज कशी या जेनोसाइड, उसमें मगरब के ममालिक बशमूल अमरीका बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं। और इसमें भी मुझे कोई शक नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान को जारियत करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, गो के नहीं करेगा, उनको पता है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, अमरीका उसको रोकेगा नहीं और अमरीका उसके साथ खड़ा होगा जिस तरह वो इसराइल के साथ खड़ा है। कि हसन नसरुल्ला की शहादत इसराइल को बड़ी महंगी पड़ेगी। देखें, जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हुए, इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट किया गया, हसन नसरुल्ला को भी शहीद कर दिया गया। मैं भी कहूंगा कि जी ये बड़ा महंगा पड़ेगा इसराइल को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इसराइल एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों को रास्ते से हटाता जा रहा है। मीर साहब, आप खुद स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, 1988 में अबू जिहाद जो लीडर था, नंबर टू था यासर अराफात को, उसको ट्यूनिस जाके शहीद किया। उसके बाद मैं अराफात साहब को मिला था ट्यूनिस जाके, और मैंने उनका घर भी देखा जहां इजरायली बाय समुद्र से आए थे। पीएलओ अल फतह खत्म हुआ 1988, 1992 में सैयद अब्बास मूसवी हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको रॉकेट से मारा था उन्होंने हेलीकॉप्टर से 1992 में। उसके बाद एक 31 साल का नौजवान था, उसका नाम था सैयद हसन नसरुल्लाह, वो बन गया, ठीक है जी। 2004 में शेख यासीन अहमद, शेख अहमद यासीन, उनको जो हमास के लीडर, उनको भी हेलीकॉप्टर से मारा। ये तीन किलिंग्स किए हैं इजरायली स्टेट टेररिज्म ने, क्या उससे ये खत्म हुई मूवमेंट? ये एक आइडिया है जो दिलों में है, ये खत्म नहीं हो सकता।